हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो आपका ही क्वेश्चन था कि जिम बनाने में कितना बजट लगता है। आई एम श्योर जो भी चैनल फॉलो करता है, जो भी फिटनेस से प्यार करता है, उसका कभी ना कभी ड्रीम होता है कि खुद का जिम खोलें। ना पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि कितना इसमें खर्चा आएगा और प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, और कितना टाइम लगता है इसको खोलने में, एंड इसका सब कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल से 100 लेवल जाने में कितना टाइम लग जाएगा और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है सारा। तो मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे कि कितना खर्चा आएगा इसके अंदर, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपका ड्रीम है खुद का जिम खोलना। नाउ सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पहचानना है कि आपके यहाँ की मार्केट कैसी है, आप किस एरिया में रहते हो, उस हिसाब से आप एक बजट बनाओगे और उसके हिसाब से अपना जिम खोलोगे। आप अपनी मार्केट का सर्वे करो कि आपके एरिया में कितने जिम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एरिया है, वहाँ पे 5 जिम है, 5 जिम का जो फीस है वो समझो 500 रुपये है या 800 रुपये, 1000 रुपये। तो आपको देखना है कि उन जिम में कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हैं, पब्लिक का टेस्ट क्या है, क्योंकि सारी भीड़ उधर ही जाती है, किस जिम में सबसे ज़्यादा भीड़ जाती है, उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट हैं, उसकी जिम क्या क्या फैसिलिटी देती है, और उसके हिसाब से आप प्लान करके अपना जिम खोलोगे। और उतने ही बजट में कि यार कोई 1000 रुपये दे रहा है, और पता है उस एरिया के अंदर अगर 5 जिम है और 1000 रुपीज़ वाला जिम ज़्यादा चल रहा है, यानी वहाँ अगर आपने ज़्यादा बड़ा जिम खोल दिया तो पब्लिक की टेस्ट पे बैठेगा नहीं। पब्लिक को आदत है 1000 रुपये पे करने की, 1200-1500 तक पे कर देगी, बट उससे ऊपर पब्लिक आपकी पे नहीं करेगी, क्योंकि उनकी पॉकेट वो अफोर्ड नहीं करेगी जिस एरिया में आप रहते हो। सेम वेज 1000 रुपीज़ के जिम की लोगों को आदत है, आपने बहुत ही छोटा जिम खोल दिया, या तो आप सर्विसेज बहुत अच्छी दो, ट्रेनिंग बहुत अच्छी दो, तो वहाँ पब्लिक आएगी, बट एक जिम की फाइनल जो लुक आती है, जो इक्विपमेंट आते हैं, उससे पब्लिक को बुलाना है। तो आपको पब्लिक का टेस्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर पब्लिक 1000 रुपीज़ के जिम में जाती है तो आपने बहुत छोटा जिम खोल दिया और उसको सस्ते में दे रहे हो, तो पब्लिक वहाँ पे भी नहीं आएगी। सो फर्स्ट नो योर मार्केट, आपकी मार्केट कैसी है, वहाँ पे लोग कैसे आते हैं, लोग क्या प्रेफर करते हैं, उनको क्या इक्विपमेंट चाहिए, उनको किस मशीन की आदत है, किस एनवायरनमेंट की आदत है, पहले वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपका बजट डिफाइन होएगा। नाउ जिम में आपको बताऊं, एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि एक जिम को खोलने में, एक बेसिक जिम खोलने में, आप मिनिमम टू मिनिमम 1000000 में भी एक जिम खोल सकते हो, और मैक्सिमम जाने की कुछ लिमिट ही नहीं है, क्योंकि जिम पैसे से ज़्यादा दिल से बनता है। जितना आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, जितनी ये मशीन्स डालोगे, उतना जिम बड़ा होता जाएगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया 1000000 में एक छोटा जिम खुल सकता है। कितने तक का? 100 गज का अगर आपका जिम है तो 1000000, 100-150 गज का जिम 1000000 मिनिमम खुल जाएगा। एक अच्छा खासा जिम खुलने में 3 करोड़ भी लग सकता है। तो सबसे पहले अपना बजट डिफाइन करो कि 1000000 से 3 करोड़, 1000000 में बेसिक जिम खुल जाएगा, जिसके अंदर आपकी एक ट्रेडमिल हो गई, एक साइकिल हो गई, छोटा मोटा आपका वेट एरिया हो गया, कुछ बेसिक आपके जिम स्ट्रेंथ हो गए, यानी मशीन्स हो गए। तो इन बेसिस पे आपका जिम खुलेगा। जितना पैसे डालते जाओगे, ट्रेडमिल्स बढ़ाते जाओगे, साइकिल बढ़ाते जाओगे, वेट्स बढ़ाते जाओगे, मशीन्स बढ़ाते जाओगे, तो बजट भी बढ़ता रहेगा। नाउ एक जिम के अंदर खुलने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको इंटीरियर चाहिए, एक रिसेप्शन चाहिए, बाथरूम चाहिए, आपका कार्डियो सेक्शन चाहिए, आपका स्ट्रेंथ सेक्शन चाहिए, आपका मशीन सेक्शन चाहिए, स्ट्रेंथ कितनी है, जो इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं। और इसके साथ साथ ऑफकोर्स आपकी लाइटिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, AC लगने बहुत ज़रूरी है, डिपेंडिंग अगेन आपके एरिया कैसा है। कुछ एरिया में हो सकता है कि पंखे से काम चल जाए, वहाँ लोग AC प्रेफर ही ना करते हो, तो आपको पहले अपना एरिया लोकेलिटी देखिए आपने, फिर आपको सामान डालना है। नाउ एक ट्रेडमिल का प्राइस कितना आता है? लमसम एक ट्रेडमिल, अगर आप छोटी सी बेसिक ब्रांड से या लोकल ब्रांड से स्टार्ट करते हो, तो 30,000 तक की ट्रेडमिल आ जाती है, 30,000-40,000 की। मैक्सिमम कहाँ तक जाती है ट्रेडमिल? 500,000 तक की। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिम खोलने के लिए पैसे ज़्यादा दिल चाहिए होता है। एक ट्रेडमिल ब्रांड मैटर करता है कि आपने किस ब्रांड का सामान रखा है। 1000000 का जो जिम है, 1500,000 का जो जिम है, उसके अंदर जो ट्रेडमिल्स लगी होंगी, वो हो सकता है कि देसी इंडियन ट्रेडमिल हो, सस्ती हो, कमर्शियल ना हो, उनकी वारंटी कम हो, उनकी लाइफ कम हो, बट अगेन मेंटेनेंस से वो चल जाती है। और जितने आप एक्सपेंसिव मशीन जिम पे जाओगे, उतनी ट्रेडमिल का ब्रांड बढ़ता जाएगा। जैसे अच्छे ब्रांड में लाइफ फिटनेस आ जाता है, प्रिकॉर आ जाता है। अब मेरे जिम में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेडमिल रखे हुए हैं, और 2 क्रॉस ट्रेनर रखे हैं, 2 साइकिल रखे हैं। तो ऐसे आपको प्लान करना है कि आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से आप बढ़ाते रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी बजट। सब एक ट्रेडमिल मैंने बताया, कार्डियो सेक्शन हो गया, सेक्शन आपका क्या होता है? स्ट्रेंथ सेक्शन, कि आपने स्ट्रेंथ रखा। अब स्ट्रेंथ के अंदर भी जो डंबल आते हैं, उनके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे मेरे जिम में अभी रिबॉक का डंबल है, इसका जो प्राइस आता है लगभग 500 रुपीज़ किलो आता है, यानी अगर आपने 1000 किलो रखा तो सीधा सीधा उसका आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना, 500,000 का आपका डंबल सेक्शन बन जाता है। नाउ ये 500 रुपये किलो भी आता है, ये 80 रुपये किलो भी आता है, 100 रुपये किलो भी आता है। तो आपको देखना है कि आपके जिम के अंदर कैसे लोग आते हैं, वो किस तरह सामान को यूज़ करते हैं,
क्योंकि मेरे यहाँ जो क्राउड है वो क्वालिटी क्राउड आता है ज्यादातर, 90% क्वालिटी क्राउड, तो उस क्वालिटी क्राउड के हिसाब से मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे पता है कि यार मैं अगर सस्ता सामान दूंगा तो मेरे पास पब्लिक नहीं आएगी, तो मेरा जिम यूनिक कैसे बनेगा, मैं ब्रांड रखूंगा तभी मेरे पास लोग आएंगे। सो नो यू मार्केट वेल, ऐसी इनके भी ब्रांड होते हैं, इनकी भी लाइफ होती है। एक अच्छा ब्रांड का डंबल एक ज्यादा लाइफ चलेगा, सस्ता ब्रांड होगा तो वो शायद जल्दी टूट जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। नाउ सेम बेस मशीन, मशीन के अंदर क्या होता है, आपके इंडिया के बड़े सारे ब्रांड हैं, जैसे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड नोटस आता है दिल्ली में, जिसकी फैक्ट्री है और बहुत अच्छे इक्विपमेंट बनाता है नोटस। उसके साथ साथ कुछ अलग इंडियन ब्रांड है जो इंडिया देसी बना रहे हैं मशीन, जो देसी मशीन बोल देते हैं ना, होता कुछ नहीं है, लोहा वो भी है और लोहा एक यूएसए की मशीन भी है, बट क्वालिटी का फर्क आ जाता है। जैसे आप अच्छे ब्रांड का शू पहनते हो एक लोकल शू पहनते हो तो इतना सा फर्क है, फर्क इतना आ जाता है कि अगर एक मशीन इक्विपमेंट इंडियन मशीन का मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक बेसिक मशीन है, एग्जांपल हो लेग प्रेस मशीन है, आप इंडियन लोगे तो हो सकता है 40-45 हज़ार में आपको मिल जाए, बट एक अच्छे ब्रांड की मशीन जो लाइफ फिटनेस अप रिकॉर्ड तक की जाएगी तो उसकी प्राइस 3-4 लाख भी जा सकती है। सो तीन कैटेगरीज होती हैं कि आप इंडियन मशीन लो इंडिया से, सेकेंड आपके आ जाते हैं ताइवान या चाइनीज मशीन, और फोर्थ आती है आपकी सबसे महंगी यूएस की मशीन, टॉर्क हो गया, लाइफ फिटनेस हो गया, प्रिकॉर हो गया। तो ये आपको सारे जो बड़े जिम होंगे लाइफ फिटनेस वगैरह का सामान आपको एनी टाइम फिटनेस में मिल जाएगा, सेलिब्रिटी फिटनेस जैसे बंद हो गया उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और जो बड़े ब्रांड है जैसे गोल्ड जिम ज़्यादातर होता है नोटस यूज करता है, वो इंडियन ब्रांड है बट वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ब्रांड है। सो अगेन इनके अंदर भी क्वालिटी होती है, किस तरह का आयन यूज हुआ है, कितना हैवी आपकी मशीन है। इंडियन मशीन सस्ते वाली लोगों शायद से बहुत पतली होगी, हल्की होगी, इनके एंगल्स का बहुत फर्क होता है किस एंगल से मशीन बनी हुई है, क्योंकि इंडियन मशीन जो होती है बेसिकली क्या करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं कि इनका मशीन क्या एंगल है, हो सकता है रेफरेंस के लिए कि मशीन इनके पास हो उसकी कॉपी बनाते हैं। सेम वे चाइनीज लोग भी ये करते हैं, यूएस स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं उसकी कॉपी बनाते हैं, बट क्वालिटी का फर्क होता है कि कैसी क्वालिटी की मशीन आपके पास है, लोगों को कैसा टेस्ट है आपकी मार्केट में। अगर कोई एक बड़ा ब्रांड यूज़ कर लेगा तो ऑफकोर्स वो छोटा ब्रांड यूज़ नहीं करेगा। सो अपने हिसाब से ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ और इंडियन मशीनें ख़राब होती हैं, बट आपको सिलेक्शन अच्छा करना है, चूज़ अच्छी तरह करनी है कि वो मशीनें लोगों को इफेक्टिव है या नहीं। जैसे मुझे मेरी जिम की नॉलेज थी, मुझे मशीन की नॉलेज थी, करीब करीब 10-9 साल मुझे वर्कआउट की नॉलेज थी, मुझे पता था कि मशीन किस तरह की होती है, किस तरह का वेट लोग पसंद करते हैं। तो मैंने जिम बड़ा दिल से बनाया था, सामान खुद लेके आया, मशीन के एंगल एक एक चेक करके किस तरह से उसके एंगल हैं, और फिर मैंने इन्वेस्ट करा। इतनी ये तो होगी देखो आपके जिम की बात, क्योंकि जिम तो इन चीज़ों से बनता है ना, उसके ऊपर आप इंटीरियर में कितना खर्चा करते हो, प्रोटेक्शन कितनी देनी है, ऑफकोर्स डंबल लोग फेंकेंगे तो आपका फ्लोर भी टूटेगा, तो फ्लोर के लिए आप कितने भारी मैट यूज़ कर रहे हो। जैसे बेसिक मैट 5 mm का आता है पतले वाला, सबसे बड़ा 20 mm का मैट भी आता है, तो बड़ा मोटा होता है, उस पर डंबल करेंगे तो आपका फ्लोर नहीं टूटेगा। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है कि आपका बजट कितना है ना। एक छोटे जिम में शायद एक जो मैट एरिया है वो आपका 40-50 हज़ार में बन जाए, बट एक बड़े जिम के अंदर वो जाते जाते 5-6 लाख का मैट एरिया ही बनता है। फिर एक जिम के अंदर लाइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, जितना छोटा जिम होगा ऑफकोर्स लाइटें कम लगेंगी, मैटिंग कम लगेगी, एसी कम लगेंगे, टीवी यूज़ करो टीवी कम लगेगा, तो उसके हिसाब से खर्चा कम होता जाएगा। जितना बड़ा एरिया होता जाएगा उसके हिसाब से खर्चे बढ़ते जाएंगे, मेंटेनेंस बढ़ती जाएगी। अब जितना बड़ा जिम होगा उतना ही ज़्यादा एसी का बिल भी आएगा, आपका खर्चे भी आपके उस हिसाब से बढ़ते रहेंगे। सो बजट देखो आपकी मार्केट कितनी है, आपको कितना पैसा निकालना है। कि अगर आपने 10-15 लाख बेसिक लगाया अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, तो आप एक टारगेट लेके चलो कि यार 1.5 साल में 2 साल में मुझे वो पैसा कवर करके फिर मुझे अर्निंग्स भी करनी है। सो ये प्लान लेआउट होता है। फिर इंटीरियर पे तो आप कितना मर्जी पैसा खर्च होना है यार, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना मिरर यूज़ कर रहे हो। मिरर बहुत एक्सपेंसिव होता है जिम के अंदर, आजकल लोग बहुत कम लगाते हैं स्ट्रेंथ एरिया में, डंबल के आसपास लगा देते हैं, तो मिरर एरिया कितना कवर्ड करा है, कितने भारी मैट यूज़ हुए हैं, कितनी अच्छी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग यूज़ हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग अच्छी होगी तो ट्रेडमिल वगैरह की लाइफ अच्छी रहती है, क्योंकि ट्रेडमिल के अंदर मोटर वगैरह फूक गई तो खत्म। सो कितनी आपने ग्रेविटी यूज़ करी है, फैन कितने अच्छे यूज़ करें, कितने अच्छे ब्रांड के एसी यूज़ करें, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। बट आपके अगर सपना पूरा करना है एक जिम को खोलने का, सो मिनिमम टू मिनिमम विच इज़ अ गुड न्यूज़ कि 10-12 लाख में जिम खुल जाता है, मैंने खुले हुए देखे और चलते हुए भी देखे। और आप अगर वहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हो, आप अच्छे ट्रेनर हो, आपको अच्छी नॉलेज है, बहुत पैशनेट हो, तो ऑफकोर्स लोग अल्टीमेटली रिजल्ट के लिए आते हैं, क्योंकि जिम में फिटनेस फ्री का आता है। पूरी दुनिया में शायद 1-2% लोग ही वर्कआउट करते हैं, फिट रहते हैं, जिम जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो फिर फोटो खिंचाने या सिर्फ जिम की सुंदरता देखने आएंगे, टाइम पास करने आएंगे, अल्टीमेटली लोग ट्रेनिंग से खुश होकर आते हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो। जिम आपने समझो एग्जांपल लो 200 गज का जिम लिया है, मशीन अपने बजट के हिसाब से चूज़ करो कि लोगों को क्या क्या चाहिए, कि एक बेसिक ट्रेडमिल की ज़रूरत है या 2 ट्रेडमिल की ज़रूरत है, एक साइकिल चाहिए, क्रॉस ट्रेनर चाहिए, कुछ बेसिक जैसे चेस्ट का एक बेंच ले लो, इंक्लाइन हो गया, फ्लैट हो गया,
लेग प्रेस ले लो, लेग की एक मशीन, हर एक बॉडी कैटेगरी की एक मशीन डाल दो और स्लोली स्लोली उसको एक्सपैंड करो। क्योंकि अनोवा जिम जहाँ पे मैं वर्कआउट करता था, यूज टू वर्कआउट, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, जिम बहुत छोटा था, एक ट्रेडमिल और एक साइकिल होती थी वहाँ पे। बट मैंने देखा स्लोली स्लोली उन्होंने एक्सपैंड करा, पहले एक फ्लोर लिया हुआ था 100 गज का, फिर उसके ऊपर 100 गज का एक फ्लोर लिया एंड स्लोली वो जिम एक्सपैंड हो गया। फिर उन्होंने और बड़ा जिम चला, ट्रेनिंग अच्छी थी तो नियर बाई एरिया में एक बड़ा एरिया लेके फिर और मशीनें बढ़ा ली। तो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए आप छोटे स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा ही नहीं, रिस्क लेना है, बहुत पैसे लगा के जिम खोल देना है और फिर आपको देखना है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही क्या नहीं रही। बट स्टार्ट विद अ स्मॉल सेटअप आपके बजट के हिसाब से और फिर आपका जिम बढ़ता है तो आप जगह चेंज करके उसको एक्सपैंड कर सकते हो एंड फिर उसको बढ़ा सकते हो। तो यही छोटा सा मेरा वीडियो था कि कितना खर्चा आप लोगों को बताया, कितना आ जाता है, 10 to 3 crore, उसकी लिमिट नहीं है, 3 crore भी क्या, 10 crore भी लग सकते हैं जितनी ज़्यादा मशीन ऐड करोगे। जो बाहर देशों के जिम होते हैं उनके अंदर ट्रेडमिल ही 50-50 लगती हैं, साइकिल रख लेते हैं 50 साइकिल रख लेते हैं, स्ट्रेंथ एरिया खत्म ही नहीं होता, इतना बड़ा होता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर, बट मिनिमम 10 lakh में जिम खुल जाता है। मैंने खुलते हुए देखे अपने दोस्तों के कि उन्होंने खोला, अपना ड्रीम पूरा करा, बाकी दिल चाहिए खर्चा करने के लिए और अपना एक्सपैंड करने के लिए। सो यू कैन स्टार्ट विद एक छोटा सेटअप और फिर आप बड़े सेटअप पे जा सकते हो। बट एक प्लान लेआउट बनाओ, आपको जिम खोलना है, पेपर पेन लो, उसमें लिखो कि मशीन इतनी लगेगी, मिरर इतना लगेगा, इतनी मैटिंग, इतनी इलेक्ट्रिसिटी, रिसेप्शन का इतना खर्चा, इंटीरियर पे इतना खर्चा, बाथरूम पे इतना खर्चा। जब ये सब का प्लान बनाओ, लेआउट बनाओ, जाके मार्केट में खर्चा पता करो कहाँ से क्या क्या मिलता है। अगर वो हेल्प भी चाहिए तो मैं वो हेल्प भी आप लोग ही कर दूंगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ से सवाल लिया जाए, बट सीरियस क्वेश्चंस ओनली। तो मैं हेल्प करके गाइड कर सकता हूँ कि अगर आप दिल्ली में हो तो कुछ ऐसे नंबर्स दे सकता हूँ आपको जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके सामान वगैरह अपना अरेंज करके मंगा सकते हो। दिल्ली के बाहर हो तो उनसे हेल्प ले सकते हो, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर देंगे। बट सीरियस क्वेश्चंस ओनली। हाँ एंड दैट वाज इट फ्रॉम द वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड डू लीव अ कमेंट। कुछ भी आपका क्वेश्चन है आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम एंड आपके लिए वीडियो बना रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो स्प्रेड द न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब अपने फ्रेंड्स को बोलो जाके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।